हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे, वो भी बिना गैस पर भुने हुए। तो बनाना शुरू करते हैं। तो हम बैंगन लिए हैं, और बैंगन जब भी ले तो थोड़ा हल्का ले, उसमें बीज कम होता है। और अब हम बैंगन का डंठल काट देंगे। बैंगन को हम छील लेंगे, इसका हम पूरा छिलका निकाल लेते हैं। देखिए, दोनों बैंगन को छील लिए हैं। हम बैंगन का पीस में काट लेते हैं। देखिए बैंगन कितना अच्छा है। अब हम इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। सारे बैंगन को ऐसे ही हम काट लेते हैं। बैंगन को पहले से हमने धुलकर रखा हुआ था, इसलिए बैंगन को हमने धुला नहीं। देखिए बैंगन को काट लिए। अब हम आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। एक हम कुकर लेंगे, उसमें हम कटा हुआ बैंगन को डाल देंगे, और इसमें हम 2 बड़े चम्मच के लगभग पानी डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे। देखिए गर्म हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लेंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए अच्छे से सीटी निकल गए हैं। अब हम इसको खोलकर देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से पक गया है। इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसी पर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम 1 बड़े चम्मच के लगभग सरसों तेल डाल देते हैं। आप जो तेल खाते हो वो डालें। अब तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को चटकने देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक और लहसुन को भून लेते हैं। देखिए अदरक और लहसुन भून गए हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 1 प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी हम भून लेंगे। देखिए प्याज भी भून चुका है। अब इसमें हम 1 बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ डाल देते हैं, और टमाटर को भी हम भून लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटी कटोरी मटर डाल देते हैं। मटर और कप्तन से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोनों को हम भून लेते हैं। इसमें हम 2 सूखे मसाला डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हरा मिर्च का पेस्ट। और अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाते हुए अच्छे से मसाला को भून लेते हैं। 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच सादा नमक। इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम जो बॉईल किए हुए बैंगन रखे थे वो डाल देते हैं, और अच्छे से मिला लेंगे। इसको भी हम भूनेंगे। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कितना अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम हरा धनिया कटा हुआ डाल देते हैं, और अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेंगे। बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। ये रेसिपी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।